शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शालिनी, व्हाट इज दिस? मॉम बता रही थी तुमने सवेरे से कुछ खाया नहीं। खा क्या करूं पुनीत, भूख ही नहीं लगी। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है जिसका जवाब भी है मेरे पास, लेकिन तुम उस जवाब को तुम फिर से वो सरोगेट मदर वाली बात मत शुरू करते। बच्चा नहीं है तो ना सही, लेकिन मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं आ सकती। तो क्या करूं मैं, जाके मॉम से कह दूं कि आई एम सॉरी, आपकी बहू कभी मां नहीं बन सकती? पुनीत, तुम जो कह रही हो उसके लिए मेरा दिल राजी नहीं है। मैं अपने प्यार की इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकता शालिनी। लेकिन पुनीत, तुम बस शालिनी बस, अब इस टॉपिक पे हम दोबारा बात नहीं करेंगे। दैट्स फाइन। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। बस वैसे बता रहे हैं दामाद जी, अब हमारी वापसी की टिकट भी करवाई दीजिए। आरती के पापा का भी फोन आया था। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपको कुछ दिन और यहाँ रुकना होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं पापा जी को फोन करके बोल दूंगा कि इतनी जल्दी मैं आपको जाने नहीं देने वाला। अरे नहीं नहीं दामाद जी, वैसे ही बहुत दिन हो गए हैं। समधन जी, जब इतना कह रहा है तो रुक जाइए ना। और फिर वैसे भी आपकी और मेरी दोस्ती हुए वे अब तो थोड़े दिन ही हुए हैं। और हाँ, आप रहती हैं घर में तो अच्छी खासी रौनक लगी रहती है। और फिर ये भी तो सोचिए, जब तक कि मैं आपको नुक्कड़ वाली दुकान से रबड़ी मंगा कर नहीं खिला लेती, तब तक मैं आपको नहीं जाने दूंगी। वैसे बता रहे अब आप हमें छेड़ रही हैं। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा हक बनता है आपको छेड़ने का। हम देखते हैं मां। क्यों किया सर अभी? गलती मेरी है, मैं भूल गई थी कि तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों की सोच छोटी होती है। आखिर अपनी औकात दिखा दी ना तुमने। आप हमसे ऐसे बात क्यों कर रही हैं? ओह, आप हमसे ऐसे बात क्यों कर रही हैं? भोले पन का नकाब ओढ़कर कितनी तेज छुरी चलाती हो तुम? मेरे प्रिंस को तुम्हारी असलियत दिखाई क्यों नहीं देती? देखिए, किसी के घर में आके इस तरह की बेहुदा बातें करने का आपको कोई हक नहीं है। आपकी शिक्षा की मुझे जरूरत नहीं है। अपनी बहू को क्यों नहीं कुछ सिखाते? बड़ी सीधी साधी सती सावित्री बने फिरती है, नहीं मेरे प्रिंस पर रोने डाल रही है, आपको दिखाई नहीं देता? एक मिनट काम्या, रानी के खिलाफ एक भी शब्द मत बोलना प्लीज। बोलूंगी, एक बार नहीं 100 बार बोलूंगी। अरे जरा पूछिए इससे क्या किया है इसने।
मेरे और प्रिंस के रिश्ते में आग लगाई है इसने। अरे मुझे तो लगा था कि रानी मेरे और प्रिंस के बीच की दूरी को खत्म करने में मेरी मदद कर रही है, लेकिन पता नहीं इसने प्रिंस को मेरे खिलाफ ऐसा क्या कह दिया है कि वो मुझसे और भी दूर चला गया है, नफरत करने लगा है वो मुझसे। एक मिनट, सबसे पहले ये बात कि रानी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, और रानी को कोई जरूरत भी नहीं पड़ी है तुम्हारे मामले में पड़ने की। और रही बात नफरत की, तो तुम जैसी बददिमाग लड़की के साथ कोई नफरत ही करेगा। तुम हो ही नफरत के काबिल। अरे मैं तो कहती हूं बहुत अच्छा हुआ जो प्रिंस के सर से तुम्हारे जैसी बला टल गई। What the hell are you saying? क्या बकवास कर रही है आप? देखिए, हमें अपनी रानी पर पूरा भरोसा है। रानी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे किसी का दिल दुखे या किसी के घर में आग लग जाए। बेहतर होगा आप इस वक्त यहां से चले जाइए, बल्कि आप यहां से जल्दी जाइए, नहीं तो बात आगे बढ़ सकती है। बात तो आगे बढ़ चुकी है, एक सलाह मेरी भी ले लीजिए आप लोग। अपनी रानी पर इतना ज्यादा भरोसा मत कीजिए, सिर्फ सूरत ही भूलिए इसकी। आप लोगों के सामने, आप लोगों के घर में एक पराए मर्द को अपना पति बनाकर ऐश कर रही थी वो। हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो चार बार और मारूंगी ना तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। बस शट अप, यू शट अप। इतनी अंग्रेजी बोलनी हमें भी आती है, समझी तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे ही घर में आकर मेरी बहू के खिलाफ कुछ कहेगी और मैं चुप रहूंगी? अरे तेरी जबान खींचकर हाथ में दे दूंगी तेरे, समझी तू? देखिए, मैंने कहा था ऐसा ना हो कि बात बढ़ जाए। बात बढ़ चुकी है जी, पर हद होती है। देखिए, हमारी रानी क्या है, कैसी है, इसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें आपसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बता रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना, ठीक कह रहे हैं। और आप ना कुछ मत कहिए, वरना मेरे हाथ का एक उल्टा पड़ जाए, समझी क्या? अभी प्लीज तू चुप कर। ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाता है हम अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी बहू के खिलाफ कोई कुछ कहेगा और मैं चुप रहूंगी? बिल्कुल नहीं। बददिमाग, ना संस्कार है इस लड़की में, ना शर्म है। वैसे बता रहे हैं इसे कह दीजिए अब जाए यहां से, अभी कुछ कहना सुनना बाकी है क्या? क्या क्या चाहिए क्या इसे? ये थप्पड़ मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अरे तू क्या भूलेगी, मैंने मारा ही इतनी जोर से ताकि तुझे जिंदगी भर याद रहे। ना मैं खुद भूलूंगी और ना तुम लोगों को भूलने दूंगी। जिस प्रिंस को अपनी जायदाद समझ के रखा है तुम लोगों ने, वो तुम लोगों का कभी नहीं हो सकता। ना वो किसी का पति है और ना किसी का बेटा। प्रिंस जीता पर मेरा है, वो मेरा मंगेतर है। अरे अगर प्रिंस तेरा है तो हमें चिल्ला चिल्ला कर क्यों सुना रही है? अजीब लड़की है तू, अपनी चीज तो खो दी और गलत जगह पर आकर ढूंढ रही है। अगर तेरा प्रिंस तेरा इतना ही अपना था तो फिर मेरी बहू से मदद क्यों मांगी? क्यों झोली फैलाई तूने मेरी बहू के आगे? वैसे बता रहे हैं, सही कहा तुमने, प्रिंस हमारा कुछ नहीं लगता। अरे तुम क्या जानो प्यार की भाषा क्या होती है? अगर प्रिंस भी तुम्हारी तरह हर चीज को पैसों से तोलता ना, तो आज मेरे दामाद जी अपने पैरों पे खड़े नहीं होते।
अरे अपनी किडनी देके प्रिंस ने बचाया है मेरे दामाद जी को, समझे तुम? What? My God! तो इस तरह लूट रहे हो तुम लोग मेरे प्रिंस को? पैसे से प्यास नहीं बुझी तो ऐसे कंगाल कर रहे हो उसे? छोटी सोच है ना तुम्हारी, इसलिए छोटा ही सोचोगी। अरे तुम जाओ यहां से, तुम क्या समझोगी कि प्यार क्या होता है? तुम्हें तो सिर्फ पैसे की भाषा आती है, पैसे की। तुम लोगों की भाषा मुझे समझनी भी नहीं है। तुम लोगों का घटियापन देखकर बहुत कुछ मेरी समझ में आ चुका है। समझ में आ गया? अब जाओ यहां से, जाओ। को कभी मत भूलना, कभी नहीं। तुम भी याद रखना ये थप्पड़। जाना जाओ से। समझ में नहीं आ रहा था ये काम्या रानी के साथ इस तरह बातें क्यों कर रहे थे? मनोज बेटा, तुमसे कुछ राय बात करनी है। मैं और तुम्हारी माँ दोनों ने मिलके रानी के बारे में कुछ सोचा है। देखो बेटा, रानी की अभी उम्र ही क्या है, ऐसी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, जबकि हम सबको प्रिंस में राज की छवि नजर आने लगी है। क्यों ना रानी की जिंदगी में राज फिर से आ जाए। माँ माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब अपने रानी से इस बारे में बात की? हाँ बेटा, बात तो की थी मैंने रानी से, लेकिन रानी ने तो राज को और उसकी यादों को अपनी जिंदगी का सहारा ही बना लिया है। माँ माँ, तुम चिंता मत करो। अरे हम दोनों है ना, हम बात करेंगे रानी से। अरे हमारी रानी की जिंदगी में दोबारा खुशियां आ जाए, इससे बढ़कर खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? हाँ माँ, आप तो बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं बात करूंगी। हाँ रानी। अरे भाभी भैया, कब तक यूं आंसू छुपाती रहोगी? लोगों को जो बोलना है बोलने दो ना। हाँ रानी, देखो यूं सबकी बातें सुन सुनकर रिएक्ट करती रहोगी तो अपने दिल का कहा कभी नहीं कर पाओगी तुम। देखो रानी, तुम्हारे दिल की हालत हमें से किसी से भी छिपी नहीं है, हम सब जानते हैं। माँ और पापा ने तुम्हारे लिए जो सोचा है बिल्कुल सही है रानी। प्रिंस एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। अरे इतना पैसे वाला होकर भी पैसे का रत्ती भर गुमान नहीं है उसमें, बहुत ही साफ और बड़े दिल वाला लड़का है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसने मुझे अपनी किडनी दी है, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही सच है। कभी सोचा नहीं था ये कहूँगा, लेकिन आज कह रहा हूँ रानी। प्रिंस हर मायने में तुम्हारे काबिल है। देखो रानी, ठंडे दिमाग से सोचो। माँ से बात करने के बावजूद वो सिर्फ तुम्हारी मर्जी के लिए रुका हुआ है।
और हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। हम जानते हैं भाभी, आप सब हमसे बड़े हैं। जो भी करेंगे हमारी भलाई के लिए ही करेंगे, लेकिन हमसे ऐसा नहीं होगा भैया। भाभी आप तो हमारी भावनाओं को समझती हैं। हम राज की यादों के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। रानी तुम्हें याद है तुम्हीं ने मुझे दिवाली का महत्व समझाया था, और अब देखो होली अगर रंगों के बिना खेली जाए तो क्या वो होली होली कहलाएगी? अब हमारे लिए क्या होली क्या दिवाली भाभी? हमारे सारे रंग तो हमारे राज के साथ चले गए। बड़े बड़े अमीर घरों में देखा है, इतनी बदतमीज लड़की। सुरेखा तुमने कामिया को बिल्कुल सही सबक सिखाया। और नहीं तो क्या जी, बेवकूफ। हमारे घर में आकर हमें और हमारी बहू को चार बातें सुनाएगी तो हम थोड़ी ना सुन लेंगे। और क्या, लेकिन सुरेखा आज सब साथ थे तो कितना अच्छा लग रहा था ना। ऊपर वाले का करिश्मा देखो, आज रानी के साथ पूरा परिवार। जब से राज गया है जी, ऐसा लगता है हमारे घर से खुशी ही चली गई है। किसी के चेहरे पे खुशी का रंग नहीं दिखाई देता। कल होली है, अगर मेरा राज होता तो कितनी मस्ती करता, खूब होली खेलता। सुरेखा मेरे दिमाग में एक बात आई है, क्यों ना हम सब मिलके कल होली मनाएं? होली जी, राज को हमसे दूर कर हुए चंद महीने ही तो हुए हैं, हम लोग कैसे होली खेल सकते? ठीक है, लेकिन किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। सुरेखा देखो, हमें हमें सबको खुश देखना है ना, तो यही मौका है। वैसे राज भी तो चाहता था कि हम सब के सब खुश रहें, किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। हम घर के बड़े हैं ना, तो क्यों ना हम ही सबको होली खेलने के लिए मनाएं? देखो सुरेखा, बच्चों को मनाना है पहल तो करनी पड़ेगी। अब बच्चों की खुशी से ज्यादा हमें और क्या चाहिए? लेकिन जी मुझे नहीं लगता कि रानी होली खेलेगी। राज की कमी तो रानी को खलेगी, हम सबको भी। लेकिन अगर हम दिल से चाहते हैं कि रानी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए तो पहले हमें मुस्कुराना होगा। मैं ठीक कह रहा हूं ना सुरेखा? ठीक कह रहे हैं। कल हम सब होली बनाएंगे, बस भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि ये होली हम सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, और जी खास कर हमारी रानी के लिए। राम रचिरा, इस बच्ची की जिंदगी में खुशियों के रंग बिखर जाए। बस को करी तरंग बढ़ावे साथा।